2014 में भाजपा ने महंगाई के नाम पर केंद्र से अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन आज भाजपा सरकार ने महंगाई आसमान छू रही है। आज जनता की जेब पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, जब पेट्रोल 65 रुपये लीटर मिल रहा था, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। वर्तमान में पेट्रोल 105 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। इसी चलते शनिवार के दिन बागली के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन बागली के चापड़ा में देखने को मिला है। पेट्रोल के दाम 105 रुपये होने पर 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल नहीं आ रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए युवा कांग्रेस ने पेट्रोल भरवाने वाले ग्राहकों को 5 रुपये अपनी तरफ से भेंट किए हैं, ताकि ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल भरवा जा सके। बागली सर्वे पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।